हरे कृष्ण एवरीवन, मैं नितिका और ये मेरे हस्बैंड सोहम। हरे कृष्ण एवरीवन। हम दोनों ही चंबा से हैं और आज हम आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं कि हाउ डिवोशन हेल्प अस इन इम्प्रूविंग अवर रिलेशनशिप। हम दोनों ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी टाइम से इकट्ठे हैं और तब हमारी लाइफ बहुत ही जैसे हम इंजॉय करते थे और बड़ी हमारी लाइफ स्मूथ और स्ट्रेस फ्री थी। तब हम ये सोचते थे आगे भी हमारी लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब हमारी शादी हुई तो डिफरेंट तरह के स्ट्रेस जो थे हम दोनों के ही आसपास आते गए। सो हम अपने प्रोफेशन को लेके बिजी हो गए और मैं अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स को खुश करने के लिए मतलब लगी रही कि किस तरह से मैं अपने बिहेवियर से उन्हें खुश करूँ, लेकिन हर किसी के एक्सपेक्टेशंस को मैं फुलफिल नहीं कर सकी। और इसी को लेके हमारे बीच काफ़ी बार मतलब मिसकम्युनिकेशंस और आर्गुमेंट्स भी हुए। लेकिन जब से सोहम ने अपनी डिवोशनल जर्नी स्टार्ट की नितिन भैया के साथ, उन्होंने मतलब गीता की रीडिंग्स ली, चैंटिंग भी स्टार्ट कर दी और मुझे ऐसे लगा कि ये इनका कुछ दिन का ही बुखार है और ये उतर जाएगा। और मेरे एक अंकल ने भी मुझे कहा कि भाई ये बड़ा ही हरे कृष्णा कर रहा है और ऐसा ना हो कि ये तू घर में ही रह जाए और ये तुझे छोड़ के बाबा बाबा बन जाए। तो मुझे भी ऐसे लगा कि हाँ क्या पता ऐसा हो ना जाए, लेकिन रियलिटी कुछ और ही निकली। फ्रेंड्स, सोहम में इतने ज़्यादा मुझे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस दिखे कि आई वॉज शॉक्ड, मतलब वंडर इवन कि कैसे सोहम ने इतने अपने में चेंजेस किए हैं। पहले ऐसा होता था कोई भी अच्छी चीज़ सोहम को दिखती थी या मिलती थी या ये करते थे तो मुझे बड़ा ज़्यादा पुश करते थे कि तुम्हें, जैसे मूवी की ही बात है, कोई मूवी अच्छी देख के आएंगे तो मुझे ज़रूर बोलेंगे तुम्हें ये मूवी देखनी चाहिए, तुम्हें ये काम करना चाहिए, इससे तुम्हें ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 2-3 मंथ्स तक सोहम कंटिन्यू भैया के साथ रीडिंग कर रहे थे, चैंटिंग भी घर में कर रहे थे, इवन सत्संग भी अटेंड कर रहे थे, लेकिन मुझे इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि तुम्हें रीडिंग करनी चाहिए गीता की या तुम्हें चैंटिंग करनी चाहिए। लेकिन खुद मुझे सोहम में इतने अच्छे चेंजेस देख के मुझे लगा कि मतलब मुझे भी चैंटिंग जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए। फिर मैंने सोहम को कहा कि वो मुझे भी चैंटिंग के बारे में बताएं और गीता की रीडिंग कुछ चैप्टर्स जो थे सोहम मुझे पढ़ाएं। तो सोहम ने मुझे गीता के 1-2 चैप्टर्स जो थे वो पढ़ाए और चैंटिंग के बारे में बताया, जिसके बाद कि मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आई। दूसरा ये था कि सोहम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन जो पहले हमारी लाइफ में होती थी तो काफ़ी हाइपर हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे और बिल्कुल भी जैसे सुनते नहीं थे, लेकिन अब सिमिलर सिचुएशंस में सोहम जो है बिल्कुल काम रह के, बिल्कुल शांत रह के वो सिचुएशंस को हैंडल करना शुरू किए हैं। थैंक्स नितिका फॉर सच काइंड वर्ड्स। दोस्तों, जब मैंने स्पिरिचुअलिटी की जर्नी स्टार्ट की थी तो मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन जब मेरी वाइफ नितिका ने मुझे कहा कि मैं भी स्पिरिचुअलिटी में आपसे चलना चाहती हूँ, डिवोशनल एक्टिविटीज़ करना चाहती हूँ और चैंटिंग सिखाओ मुझे, तो मेरी जो खुशी थी वो 4 गुना बढ़ गई। और मैंने इसे भी सिखाया कि चैंटिंग कैसे करती हैं, भागीता थोड़ी सी पढ़ाई इसे। और जब हम दोनों ने सुबह चैंटिंग करना इकट्ठा शुरू कर दिया और मैंने देखा इतने ज़बरदस्त चेंजेस आए कि 3-4 महीने के अंदर ही चैंटिंग करने से मैंने देखा कि पहले जब मैं कोई भी काम करता था, किसी कोई भी काम घर के लिए करूँगा या इसके लिए करूँगा या फैमिली के लिए करूँगा, तो ये मुझे कभी भी अप्रिशिएट नहीं करती थी उस तरीके जैसे इसको करना चाहिए था। मेरी एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई होती थी कि मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करें, लेकिन जब इसने चैंटिंग शुरू की तो इसने मुझे अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। तो मुझे उस चीज़ की बहुत ही खुशी होती थी कि यार ये भगवान ने सच में ब्लेसिंग दे दी है कि चैंटिंग में इतनी शक्ति है। और उसके बाद मेरे घर पे इतना अच्छा माहौल हो गया, फ्रेंड्स की हमेशा खुशहाली रहती है और मैं हमारे रिलेशन में और ज़्यादा नज़दीकियाँ आ गई हैं और स्वीटनेस बढ़ गई है, प्यार बढ़ गया है, तो हम बहुत ही खुश हैं। इट्स ट्रू फ्रेंड्स, पहले ऐसा होता था कि जब सिचुएशंस कुछ ऐसी मतलब टेंस हो जाती थी तो सोहम जो थे मतलब जैसे हाइपर मैंने कहा हो जाते थे
और अपना पार्ट तो बड़े मतलब स्ट्रांगली रख देते थे, और लेकिन जैसे मैंने कुछ कहना है, मैंने अपना पार्ट रखना है, तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। लेकिन अब जो है सोहम बड़े मतलब अच्छे से काम रह के बात सुनते हैं, जिससे कि मुझे बड़ा ही जैसे रिस्पेक्टफुल सी फीलिंग आती है, कि मतलब मैं खुशी मिलती है कि मुझे रिस्पेक्ट दी जा रही है, और यही ट्रू लव है। फ्रेंड्स, पहले नितिका के अंदर गुस्सा पड़ा था और ये कोई भी मेरी बातें सुनती थी, इसको लगता था कि भाई शादी के बाद लड़कों की लाइफ ऐसी रहती है, लड़कियों की लाइफ चेंज होती है। तो मुझे कहती थी कि आप गुस्सा, आपको नहीं पता गुस्सा क्यों आ रहा है, आपको ये आपको वो, मुझे कुछ ना कुछ ये ताने देती रहती थी। पर जब इसने चैंटिंग वगैरह शुरू की तो इसने उसके बाद क्या था कि अपना गुस्सा जो है इसने देखना शुरू कर दिया। इसने मुझे बोला कि सच में आप ठीक बोलते हो, मेरे अंदर बहुत गुस्सा है। तो मैं, मेरे को बड़ी खुशी अंदर से कि यार एटलीस्ट तुम्हें ये रियलाइजेशन होगी चैंटिंग से 3-4 महीने के अंदर। उसके बाद हम दोनों ने फिर बैठते थे और हम देखते थे कि हमने कैसे इस गुस्से को मैनेज करना है, कैसे हम इसको देखें और कैसे हम इसको कम करें, और हम उसमें कई परसेंट तक सक्सेसफुल भी रहे। और आज की डेट में हमारा जो प्यार है और हमारा रिलेशन जो है और स्ट्रोंग हो गया है, हाँ मुझे बिल्कुल लगता है। सही है। और पहले ये था कि जैसे सुबह में ना नेगेटिव हैबिट्स जो थी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही थी, बाहर रहना घर के और टीवी देखते रहना, घर पे होंगे तो टीवी पे या फिर मोबाइल पे ही लगे रहेंगे, हमारे साथ मतलब जैसे मेरे साथ और बच्चों के साथ कोई टाइम स्पेंड करने की इनको नहीं था, कि मन ही नहीं होता था। लेकिन अब जब से हमने ये सब शुरू किया, तो हम इन्होंने भी अपनी नेगेटिव हैबिट्स छोड़ी, लाइक टीवी देखना और मोबाइल, और मैंने भी छोड़ी। और हम जो अपना टाइम है अब अपना बच्चों के साथ, एक दूसरे के साथ टाइम जो हम शेयर करते हैं, स्पेंड करते हैं, उसमें हम डिवोशन से रिलेटेड ही बातें करना जो है ज्यादा पसंद करते हैं, कि कैसे हम अपने रिश्तों को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ना सिर्फ हम दोनों का रिलेशनशिप, बल्कि जो हमारे आसपास जितने भी हमारे फैमिली के रिलेशनशिप्स हैं हमारे एक दूसरे के साथ, उन सब में ही बड़ा ही हैप्पीनेस आई है, स्वीटनेस आई है, और जो पहले तनाव हुआ करता था वो काफी हद तक रिड्यूस हो गया, इवन खत्म ही हो गया मैं तो कहूंगी। और मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूंगी कि आप भगवान से अपना कनेक्शन जो है वो जोड़िए, और जिस तरह सोहम ने या मैंने सेल्फ फोकस करके चैंटिंग करके अपने आप में सुधार किया है, वैसे ही आप भी अपने आप में सुधार कीजिए। जब आप में पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगी, तो आपके आसपास खुद ब खुद पॉजिटिविटी जो है वो फैलती जाएगी। दोस्तों, मैं भी एक बात एंड में कहना चाहूंगा कि हैप्पीनेस के लिए हम लोग जैसे सोचते हैं कि एक्सपेंसिव हॉलीडेज कर लेंगे, एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहन लेंगे और महंगी महंगी गाड़ियां ले लेंगे, अच्छे अच्छे घर बना लेंगे, उससे मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक मिथ है। हमें अपना जो कनेक्शन है भगवान का स्ट्रॉन्ग करना है, जैसे मैंने नितिका ने किया है। और जैसे हम भगवान से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमारे सेंसेस खुद कंट्रोल में आएंगे और अपने आप हमारे अंदर शांति, पीस और हैप्पीनेस मिलेगी। तो मैं और नितिका आप दोनों सबके लिए प्रेयर्स करते हैं। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल, हरी हरि बोल हरी हरि बोल।